बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को राहत नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को राहत नहीं दी है, सिसोदिया ने गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जमानत अर्जी का विकल्प आपके पास नहीं है, सीजीआई की तरफ से कहा गया है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छा स्वच्छ परंपरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को राहत फिलहाल के लिए अभी तक नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सिसोदिया ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी लेकिन ऐसे में जमानत अर्जी का विकल्प आपके पास नहीं है, सीजीआई की तरफ से कहा गया है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सीजीआई ने भी इन बातों का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी स्वच्छ परंपरा नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि 5 दिन की रिमांड पर है मनीष सिसोदिया, सीबीआई 5 दिन की रिमांड की बात कर रही थी और उसके बाद 5 दिन की रिमांड मिल भी गई। फिलहाल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, साथ ही साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी और स्वच्छ परंपरा नहीं है। इस वक्त की अहम जानकारी है, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी और स्वच्छ परंपरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फिलहाल अभी के लिए राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि इस वक्त की अहम जानकारी है, कल ही 5 दिन की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को लिया गया है, 5 दिन और सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी क्योंकि पहली पूछताछ में भी मनीष सिसोदिया की तरफ से ज़्यादा सहयोग पूछताछ में नहीं किया गया था लेकिन अब एक बार फिर से 5 दिन की रिमांड पर है मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी और स्वच्छ परंपरा नहीं है।